मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो इस फिल्म के राइटर हैं हमारे संतोष मिश्रा जी, अब उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, वो किस तरीके से कहानी लिखते हैं, क्या है तब करते जब हम साथ नहीं होते, हम साथ रहते हैं तो वो अपना जॉब कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, अपने जगह पे कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता कि सारी फिल्मों में मतलब होनी चाहिए, वो अलग कर रहे हैं, और भी लोग हैं यहाँ पे, इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, और आप मतलब। और सर ये पूछना चाहूँगा, बिग बॉस में आना कितना फायदेमंद हुआ आपके लिए, कितना ज़्यादा वो फेम को आप पसंद किए, या आपके लिए कितना फायदेमंद हुआ? नहीं बिल्कुल, देखिए वो अलग प्लेटफॉर्म है बिग बॉस मीन्स या नच बलिए, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है किसी के लिए, और बहुत कुछ दिया उसने और आगे भी दे रहा है, और आगे भी आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि और भी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, तो ऊपर वाले ने चाहा तो और अच्छा हो जाएगा, बट हाँ दिया तो बहुत कुछ है बिग बॉस ने। आपसे जानना चाहूँगा, इतने हैंडसम मेरे पास में है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से शूट में मज़ा आएगा, क्या होता है, कहना चाहेंगे इस बारे में? एक्चुअली क्या बोलूँ, शब्द नहीं है, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सबसे ज़्यादा तो ये मैं CPI मूवीज से जुड़ी हूँ, सुजीत सर ने मुझे इस काबिल समझा, मैं इतना खुश हूँ कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं कि मैं क्या बताऊँ। और इनके साथ काम करने का कौन नहीं करना ये मत बताना, हम वहाँ सेट पे करेंगे, सेट पे करेंगे जो भी करना है। मतलब कैमरे के सामने, कैमरे के सामने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मेरी सेकेंड भोजपुरी मूवी होगी। बेसिकली मैं छॉलीवुड इंडस्ट्री से हूँ, छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री से, और ये इससे पहले मैंने बॉर्डर किया और अभी ये मेरी सेकेंड मूवी। लेकिन आपके व्यवहार से लगता है कि अभी काफ़ी शांत प्रिय हैं, काफ़ी कम बोलती हैं? नहीं एक्चुअली यहाँ पे ये सब नए हैं मेरे लिए, दैट्स व्हाई। सर आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, दो हीरो हैं तो कितना कंपटीशन रहेगा फिल्म में? अरे मेरा भाई है भाई, कंपटीशन क्यों रहेगा। सबसे पहले फिल्म भोजपुरी भाई लोग के हम हाथ जोड़ प्रणाम करते हैं, ये फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म को हमारे बड़े भाई संतोष मिश्रा जी लिखे हैं, जो कि मुझे वन लाइन सुनाए, फिल्म मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छी फिल्म है। अच्छा ये बताइए, दो हीरो रहते हैं किसी फिल्म में, तो कितना ज़्यादा चुनौती होता है किरदार को निभाना, अपने आप को बहुत अच्छा लगता है? चुनौती नहीं होता, आप करते क्या वो बाद में पब्लिक बताती है, पांच हीरो रहे हैं, आप करोगे क्या वो तो पब्लिक बताएगी ना, तो मुझे लगता है। और हाँ यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा बैलेंसिंग है, ये मेरे भाई हैं फिल्म में, हम दोनों भाई होते हैं, तो ये अपने अलग गली से जा रहे हैं, मैं अपने अलग गली से, इसीलिए दो हीरोइन मिली है हमको, ठीक है। तो ऐसा हमारा कंपटीशन कुछ नहीं है, और बहुत ही बेहतरीन कहानी है, वो आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का क्या ऐसा तत्व है, क्या चीज़ है जो आपको खींचता है इंडस्ट्री में और अभिनेता बनने के लिए? नहीं मुझे मौका मिल गया, देखिए मैं सही बता रहा हूँ, जब मैं आया था यहाँ पे तो मुझे जो फिल्म ऑफर हुई थी वो अजय सिन्हा जी ने किया था, वो ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म बनाए थे, उस वक्त की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट फिल्म थी, तो मुझे लॉन्चिंग बहुत बड़ी बड़ी मिली है, और ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि जो भी फिल्में करता हूँ, पता नहीं बहुत फिल्में तो नहीं मिलती हैं तो बड़ी मिलती हैं, शायद मैं बहुत फिल्मों को चुनता नहीं हूँ, बट हाँ ये ज़रूर मैं बोलूँगा कि भोजपुरी हो चाहे टॉलीवुड हो चाहे बंगाली इंडस्ट्री हो चाहे बॉलीवुड हो, है एक ही है, सिर्फ लोगों ने बांट दिया है और कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज होता है, और मैं तो बोलता हूँ जो हमारी लैंग्वेज है भोजपुरी वो सबसे ज़्यादा क्लोज है हिंदी के, और आप उठा के देख लो बहुत सारी फिल्में जो आपके बॉलीवुड में आती है वो ज़्यादातर लोग हमारे लैंग्वेज पर खेलते हैं, तो हम अपनी इंडस्ट्री में क्यों नहीं अपने लैंग्वेज पे खेलें? और सर जैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में भी है एक्टर्स के बीच में, लेके जितने एक्टर्स हैं उनमें कंपटीशन? मैं झूठ नहीं बोलता नहीं मैं झूठ नहीं बोलता नहीं, कंपटीशन कहीं पर नहीं है, रेस होना चाहिए, हेल्दी रेस होना चाहिए, और मुझे लगता है कि जो अच्छा करेगा वो रहेगा, और जो नहीं करेगा वो भी रहेगा, लेकिन अच्छा करने वाला हमेशा दिखता है, पीछे भी लोग उसके बात करते हैं कि ये अच्छे हैं अच्छा करते हैं। और एक ऐसा साथी जो इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखता है ये कितने फायदेमंद है आपके लिए? सॉरी, कोई फ्रेंड जो ताल्लुकात रखता है इंडस्ट्री से, हाँ, तो ये कितना फायदेमंद है आपके लिए? किस इंडस्ट्री से? कुछ भी इंडस्ट्री से, क्लोज फ्रेंड। क्लोज फ्रेंड मतलब वो क्या कर रहा हो मेरे साथ? तो मुझे अब उनके बारे में बार बार इनकी सोई मोनालिसा जी पे ही अटकी हुई है।
किस तरह से मतलब आपके लिए वो कॉन्फिडेंस पैदा करता है, कितना उत्साह आपके लिए आपकी बीवी के बारे में क्या सोचते हैं? बीवी होगी तो नहीं, जवाब दीजिए। अगर होगी तो मेरे लिए वही सिंपल है, कुछ नहीं। मैं वो मुझे अपना हस्बैंड मानती है, मैं उनको पत्नी मानता हूँ, बस ज़्यादा कुछ नहीं है हमारा। थैंक यू। देखिए, बाबा मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और इससे पहले हम साथ में काम कर चुके हैं मुकामा 0 किलोमीटर और CPI मूवी, तो फिर उनको सपोर्ट कर लिया। और जब बाबा से डिस्कस हुआ था तो अच्छा सब्जेक्ट चाहिए था, और तो हम एक दूसरे को काफ़ी समझते हैं, उस हिसाब से बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट और जो कास्टिंग में जो लाइनअप हुआ है और सब्जेक्ट के हिसाब से हुआ है, और बाबा बहुत अच्छा फिल्म बनाएंगे ये विश्वास है। विक्रांत जी के अलावा कास्ट में थे और कौन कौन से कास्ट में नजर आएंगे? मेरे बारे में बताओ कि मैं कैसा एक्टर हूँ। बॉर्डर में काम किया साथ में? हाँ, मतलब जो धारणा था विक्रांत जी के बारे में ना, अब साथ में काम करने के बाद एकदम ही वो चीज़ बदल गया, और नो डाउट विक्रांत जी बहुत अच्छे एक्टर हैं और उससे बढ़िया बहुत अच्छे इंसान। फिर रिस्तम जी को काम करते हुए उनको बहुत मज़ा आएगा कि बहुत एक अच्छे एक्टर के साथ, एक बड़े बेस्ट आदमी के साथ रिस्तम जी काम कर रहे हैं और पूरी तारीफ करेंगे जब काम करेंगे साथ में। सबसे पहले तो मैं इस जय बजरंगबली के मुहूर्त में आए तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए और हमारे मुहूर्त में 4 चांद लगा दिए। मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग के व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसा ही 4 चांद लग जाए। और सबसे ये मूवी अगर बन रहा है तो सबसे बड़ा हाथ है हमारे इंद्रजीत बाबा का, जिन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। और उससे भी बड़ा बड़ी बात है कि मैं CPI मूवी का डायरेक्ट कर रहा हूँ, जिसका सुजीत तिवारी सुजीत भैया ने मुझे एक्सेप्ट किया। और मेरे पीठ पीछे हाथ जो लगने वाले मेरे बड़े भैया संतोष मिश्रा सर, जो कि फुल सपोर्ट कर रहे हैं। आप अच्छा इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा काम करेंगे। ये सोचे कि मैं अपने बारे में अच्छा बोलूं या ना बोलूं। सर आपसे फिल्म तो जुड़े हुए हैं, जब सर कंपनी हमारी बना रही है, काफ़ी सारे वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी सारे भैया लाउडली हाँ भैया के आशीर्वाद कर रहे हैं। म्यूजिक कंपनी के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं। संतोष जी से डिस्कस हुआ एक अच्छा सब्जेक्ट, और विक्रांत जी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा कि चीज़ें काफ़ी अच्छी एक अच्छी फिल्म बनाई जाए। अब काम ही है फिल्म तो दूसरा काम करेंगे। करेक्ट। तो शूटिंग शूटिंग के हम लोग इलाहाबाद का प्लान बनाए हैं, हमारा टोटल शेड्यूल इलाहाबाद में ही ख़त्म होगा और वही तो संपन्न भी होगा, शुरू और संपन्न वही होगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ज़्यादा फोकस ये करना कि विक्रांत बहुत अच्छे हैं। चाहेंगे इस बजरंग बली के बजरंग मुहूर्त पर। सबसे पहले जय बजरंग बली के इवेंट को कवरेज करने हैं जितने भी मीडिया कर्मी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के आए, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को इतना बड़ा बनाया है। संतोष मिश्रा जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, और शुरू से ही जब से मैं भोजपुरी से जुड़ा हूं, संतोष मिश्रा जी का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूं मैं, उनकी लेखनी का, उनके डायरेक्शन का। और आज एक बड़ा ही खूबसूरत इत्तेफाक है कि उनके स्टोरी पे मुझे काम करने का मौका मिला है। और रुस्तम अली जी बहुत ही टैलेंटेड जीनियस आदमी हैं, काफ़ी लगभग पिछले उस हिसाब से मैं कुछ नया नया कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस फिल्म जय बजरंगबली का संगीत भी बहुत बड़ा और बहुत दूसरों से अलग बनी है। नहीं, अभी किरदार के बारे में तो इसे ब्रीफिंग नहीं हुई है, बट सबसे पहले मैं CPI मूवी सुजीत भैया को और इंद्रजीत बाबा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी इस फिल्म के लिए, जय बजरंगबली के लिए, और उनके साथ ऑलरेडी मैंने एक फिल्म पहले भी की है, और राइटर तो संतोष मिश्रा जी हैं ही, और सर के साथ म्यूज़िक है
देखिए मैं कहाँ तक जाता हूँ इस फिल्म के साथ और ये फिल्म कहाँ तक जाती है। नाम ही जिसके साथ बजरंग का है तो बहुत धमाल करेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं।